हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मर्ज एंड सॉर्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। मैं आपको C++ और जावा दोनों लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को काफी इन डेप्थ सॉल्व करना सिखाऊंगा, अलग अलग अप्रोच बताकर, ताकि आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से ना केवल समझ पाए बल्कि जरूरत पड़ने पर आप दूसरे को समझा पाए। क्वेश्चन क्या है? हमारे पास दो एरे दिया गया है जिसका लेंथ एन और एम है। हमें क्या करना है? प्रिंट द मर्ज एरे इन असेंडिंग ऑर्डर कंटेनिंग ओनली यूनिक एलिमेंट। तो हमें क्या करना है, उस एरे को मर्ज करना है और उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना है जिसमें केवल यूनिक एलिमेंट रहना चाहिए। मतलब अगर कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट है तो उसको इस एरे से निकाल कर फेंक देना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे पास एरे का साइज दिया है 2, इसमें 2 एलिमेंट है, फिर एरे का साइज दिया है 2, इसमें 2 एलिमेंट है, तो दोनों को हमें क्या करना है, सॉर्ट कर देना है बाय रिमूविंग डुप्लीकेट, तो हमारा आउटपुट हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास एग्जांपल 2 दिया है, इसमें एरे का साइज 5 है, दूसरे में एरे का साइज 6 है, दोनों को मर्ज कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में और डुप्लीकेट को मार के भगा देना है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। तो मैंने जैसे आपको बोला है, मैं काफी आसानी से चीजें बताऊंगा, आप भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे। क्वेश्चन क्या है? मर्ज एंड सॉर्ट। हमारे पास एक एन दिया है 2 साइज का जिसमें 2 एलिमेंट है, एम दिया 2 साइज का जिसमें 2 एलिमेंट है, दोनों क्या कर देना है, सॉर्ट कर देना है। तो ये तो काफी छोटा एग्जांपल है, मैं इसको लेता हूँ। मैं क्या करूंगा, ए हमारा एरे है, बी हमारा एरे है, तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा और डुप्लीकेट अलाउ नहीं है, तो आपके दिमाग में एक डेटा स्ट्रक्चर आएगा जिसका नाम है सेट। ये क्या है सर? सेट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो किसी भी एलिमेंट को, मतलब किसी भी एरे के एलिमेंट को या फिर किसी भी चीज के एलिमेंट को एक असेंडिंग ऑर्डर में रखता है और साथ ही साथ डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। मतलब जो क्वेश्चन हमारा डिमांड कर रहा है उस सारा का सारा प्रॉपर्टी सेट डेटा स्ट्रक्चर कंटेन करता है। मतलब अगर मैं इस एरे के एलिमेंट को सेट में डाल दूं, फिर इस एरे के एलिमेंट को सेट में डाल दूं और फिर सेट के एलिमेंट से निकाल लूं, तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मैं क्या करूंगा, सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करूंगा। जैसे मान लेता हूं ये हमारा सेट एस है, ठीक है। सेट क्या करता है, जितना भी आप एलिमेंट सेट में डालोगे वो सारा का सारा एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट सॉर्ट हो जाएगा। और कोई भी अगर डुप्लीकेट एलिमेंट है, जैसे अगर 5 3 टाइम्स है, तो 5 सिर्फ एक टाइम ही रहेगा। जैसे अगर मैं एरे 1 के एलिमेंट को पकड़ता हूँ, इसमें डालने की कोशिश करता हूँ, तो पहले यहाँ 7 आ जाएगा, 7, फिर मैं 1 डालूंगा तो देखेगा 1 इससे पहले, 1 इससे छोटा है तो 1 पहले आ जाएगा, फिर 5 डालूंगा तो 5 देखेगा कि 7 से पहले और 1 के बाद है तो 5 यहाँ आ जाएगा, फिर मैं 3 डालने की कोशिश करूंगा तो 3 इसके बीच में आ जाएगा, फिर मैं 9 डालने की कोशिश करूंगा तो 9 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसको डालने की कोशिश करूंगा इसी सेट में, अगर मैं 8 डालने की कोशिश करूंगा तो 8 यहाँ आ जाएगा, फिर मैं 4 डालने की कोशिश करूंगा तो 4 यहाँ आ जाएगा, 3 के बाद 4, फिर मैं 3 डालने की कोशिश करूंगा तो 3 यहाँ पहले से है तो 3 नहीं जाएगा, 3 जाएगा ही नहीं, 3 का काम खत्म। फिर मैं 5 डालने की कोशिश करूंगा, 5 यहाँ पहले से है, 5 का काम खत्म। फिर मैं 2 डालने की कोशिश करूंगा, 2 यहाँ डाला जाएगा, यहाँ 2 आ गया। फिर मैं 6 डालने की कोशिश करूंगा, 6 यहाँ डाला गया। मतलब क्या, जो हमारा सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिर्फ यूनिक एलिमेंट को ही कंटेन करा, तो इस सेट का प्रॉपर्टी है कि जब भी आप उसमें एलिमेंट को डालोगे तो सिर्फ यूनिक एलिमेंट को ही कंटेन करेगा, कोई भी डुप्लीकेट जाएगा तो कंटेन करेगा ही नहीं। और जो भी एलिमेंट जाएगा इसको बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही रखेगा। बाय डिफॉल्ट किस में रखेगा? असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर मैं सेट में एलिमेंट को इंटर करता हूं तो ओ ऑफ लॉग एन टाइम लेता है। इतना आपको समझ में आ गया? तो कैसे बनेगा सर? देखो काफी आसान है, कैसे बनेगा, मैं क्या करता हूँ पहले इसको मिटा देता हूँ। कैसे बनेगा? कुछ नहीं करना है, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेट बना लेना है और इस एरे के एलिमेंट को ट्रावर्स करके इसमें डाल देना है, फिर इस एरे के एलिमेंट को ट्रावर्स करके इसमें डाल देना है। जैसे आप डालोगे इसमें सारा का सारा यूनिक एलिमेंट आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा जो हमसे मांग रहा है, और फिर इस सेट के एलिमेंट को ट्रावर्स करना है शुरू से और इसको बाहर लिख देना है और रिटर्न कर देना है। यही तो हमें चाहिए, यही तो हमें चाहिए। तो अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट ओ ऑफ एन हो जाएगा, क्योंकि एन एलिमेंट को हमें डालना है। हालांकि जो सेट में अगर आप इंसर्ट करते हो तो ओ ऑफ लॉग एन टाइम लगता है सेट में एलिमेंट को इंसर्ट करने में। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा तो ओ ऑफ एन, ठीक है, क्योंकि एन एलिमेंट को हमें इसमें रखना है, तो क्या पता कि सारा का सारा एलिमेंट हमारा यूनिक हो। तो जैसे आप बताओगे तो जो इंटरव्यूअर होगा वो बोलेगा थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करो, जैसे वो ऑप्टिमाइज बोलेगा तो मतलब आपको क्या बोलना चाह रहा है कि आप एक्स्ट्रा स्पेस जो यूज कर रहे हो उसको आप घटा सकते हो, ठीक है।
तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो कैसे होगा, वीडियो में आगे बढ़ूंगा। तो कैसे होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल देखो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे इस साइज का एरे है, इस साइज का एरे है, सेट में भी बता सकते हो, या फिर आप एक जुलरी एरे बना लो, दोनों का जो साइज है उस साइज का एक एरे ले लो। हालांकि इसमें भी स्पेस हमारा यूज होगा ही, लेकिन स्पेस आपको लेना ही पड़ जाएगा। स्पेस नहीं लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करना है, इस एलिमेंट को पकड़ना है, इसमें डाल देना है। तो 7 1 5 3 9, फिर इस एरे के एलिमेंट को पकड़ना है और इसमें डाल देना है 8 4 3 5 2 6। अब क्या करना है, इस एरे को शॉर्ट कर देना है। जैसे शॉर्ट करोगे तो पहले क्या आएगा, पहले 1 आएगा, 1 खत्म। फिर क्या आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 खत्म। फिर हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, 3 खत्म। फिर यहाँ एक और 3 है, एक और 3 आएगा। फिर हमारा 4 आएगा, 4। फिर हमारा 5, एक बार 5 दो बार, 5 दो बार आएगा। फिर हमारा 6 आएगा, 6 एक बार। फिर हमारा 7 आएगा, फिर हमारा 8 आएगा, फिर 9 आएगा, 8 और 9। हमने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया। हमने क्या किया है, एक टेम्पररी एरे बनाया है और उसमें दोनों एरे के एलिमेंट को ट्रावर्स करके डाल दिया है, फिर उस एरे को हमने शॉर्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करना है। मैं देख रहा हूँ यहाँ डुप्लीकेट एलिमेंट है और यहाँ डुप्लीकेट एलिमेंट है, तो अब मैं क्या चेक करूंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, और जिस एलिमेंट पर मैं गया उसके राइट साइड वाले एलिमेंट को चेक करूंगा, क्या यही एलिमेंट इसके बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो ठीक है, इसको आप प्रिंट कर दो, और अगर बराबर है तो फिर आगे बढ़ जाओ। जैसे यहाँ गया, चेक करूंगा क्या दोनों बराबर है, नहीं जी बराबर नहीं है, तो इसको प्रिंट कर दो, 2 को प्रिंट कर दो। फिर मैं यहाँ जाऊंगा, क्या दोनों एलिमेंट बराबर है, हाँ बराबर है। तो क्या करना, जैसे बराबर है तो आपको स्किप कर देना है और आगे बढ़ देना है। आगे बढ़ गए, फिर यहाँ चेक करेंगे क्या दोनों बराबर है, नहीं जी बराबर नहीं है, तो फिर इसको प्रिंट करो। इससे क्या होगा, हमारा जो डुप्लीकेट है रिमूव हो जाएगा। तो आई थिंक आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इन केस समझ में नहीं आया तो प्लीज आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस केस में हमारा क्या होगा, हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगा ओ ऑफ एन प्लस एम हो जाएगा, और उसमें भी हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन प्लस एम ही होगा, क्योंकि हमने एक एरो यहाँ कंसिडर किया तो होगा एन प्लस एम, क्योंकि एम साइज का भी दे रहे हैं ना, तो हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसका ओ ऑफ एन प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ दोनों सोल्यूशन। ये हमारा सी प्लस प्लस का सोल्यूशन, हमने एक सेट डेटा स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें एरे वन के पूरे एलिमेंट को ट्रावर्स कर दिया, फिर बी के पूरे एलिमेंट को, और फिर से हमने उसमें से बारी 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 एलिमेंट को ट्रावर्स किया है और कर लिया। ठीक है, जावा में कैसे होगा, आपको एक सेट बनाना पड़ेगा। जैसे सी प्लस प्लस में आप बनाया है, एरे वन के एलिमेंट को डाल दिए, एरे टू के एलिमेंट को डाल दिए, और लास्ट में फिर से उसको ट्रावर्स कर लिए। तो इसके बारे में तो मैंने आपको बताया है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा सोल्यूशन आप क्या कर सकते हैं, दूसरा सोल्यूशन आप क्या कर सकते हैं, आप जो एरे वन का एलिमेंट है, जैसे जो आंसर एरे हमारे पास पहले से दिया है, और एक बात आपको और यहाँ जाननी पड़ेगी कि जो हम इस एरे को बना रहे थे, यहाँ टेम्पररी एरे हमने लिया है, टेम्पररी एरे हमने यहाँ लिया है, लेकिन आंसर में टेम्पररी एरे पहले से दिया है। जैसे सोल्यूशन आप कर रहे हैं तो यहाँ आंसर का एक एरे पहले से आ रहा है, तो इस केस में हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किए। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने आपको भले करके दिखाया, लेकिन ये आंसर पहले से दिया है, मतलब हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया। तो ऐसा सब क्या हो जाएगा, ओ ऑफ वन हो जाएगा स्पेस, क्योंकि आंसर में पहले से टेम्पररी एरे दिया हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्पेस यूज नहीं कर रहे। आप यहाँ भी देख सकते हो आंसर यहाँ खुद से आ रहा है, आंसर यहाँ खुद से आ रहा है इनबिल्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया है, आंसर में पहले जो एरे वन का एलिमेंट है उसको डाल दिया है आंसर में, फिर एरे जो टू है एम साइज का उसके एलिमेंट को डाल दिया है, फिर आंसर को हमने शॉर्ट कर दिया है, मतलब उस एरे को हमने शॉर्ट कर दिया है। और फिर से क्या किया है, उसमें चेक किया है क्या एरे ऑफ आई प्लस वन के बराबर है, मतलब आंसर आई प्लस वन, जैसे यहाँ 2 3 3, क्या दोनों एलिमेंट बराबर, अगर बराबर है तो कंटिन्यू कर देना है, मतलब एक एलिमेंट को स्किप कर देना है, आगे आ जाना है और आंसर में इसको डाल देना है, और लास्ट में के को रिटर्न कर देना है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन प्लस एम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ओ ऑफ वन होगा। क्यों, क्योंकि हमने आंसर एरे अपने से यूज नहीं किया है, पहले से आंसर में आ रहा है। तो चलिए मैं आपको इसका कोड काफ़ी अच्छा से रन करके दिखाता हूँ, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए और आपको मजा आए। तो चलिए मैं आपको कोड रन करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यार, अगर आप बीएससी हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, तो आप इस लिंक को चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अगर आप चाहते नहीं यार मुझे तो वीडियो से सोल्यूशन समझ में आएगा, तो आप जीएफजी के इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अभी अगर आप त्रिलोकी 10 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 600 का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, और नहीं तो अभी ऑफर चल रहा है, बाद में आपको 400 का तो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका आंसर, इसका कोड रन करके दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए हमेशा के लिए। तो ये है हमारा C++ का कोड।
देखो यहाँ आंसर पहले से आ रहा है, आंसर क्या हो रहा है, पहले से आ रहा है, तो हम कोई भी स्पेसिफिक नहीं कर रहे। मैं सिंपली इसको क्या करूंगा, कंपाइल रन करके मैं इसको सबमिट कर दूंगा। और दोस्तों यार अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और अपने दोस्तों में शेयर करना बहुत जरूरी है, वो भी कर दो। ये हमारा क्या है, जावा का कोड। जावा के कोड में भी आंसर को मैं उसे लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको यहाँ सेट टाइप करके दिखाया ताकि आपको सेट के थ्रू भी बनाने आ जाए। आप जावा का भी उस तरह कोड लिख सकते हैं जैसे हमने सी प्लस प्लस का लिखा। तो मैं क्या करूँगा, इसको सबमिट करूँगा और अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करो यार, ताकि और भी स्टूडेंट का हेल्प हो सके और वो लोग भी लाइफ में आगे बढ़ सके। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।